वेलकम फ्रेंड्स। तो ये पार्ट नंबर 4 है, इससे पहले 3 पार्ट बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था कि जब हमें उन्होंने कहा कि आप 1 मिनट से पहले जो है ये ट्रक में जो है सारे के सारे लड़के इंटर हो जाएं, तो हम जो 9 लड़के थे हम सारे के सारे 1 मिनट से पहले ही ट्रक के अंदर दाखिल हो गए। तो वहाँ पर ऑलरेडी जो है काफ़ी लड़के पहले भी थे, तो हम तकरीबन 30-35 लड़के बन गए। थोड़ी देर के बाद जो है ट्रक के अंदर जो है साइड ऊपर से एक जो है लड़का अंदर इंटर हुआ। तो उसने कहा, यार आप में से जिसके पास है वो छोटा मोबाइल है, तो बटनों वाला मोबाइल, एक तो जो है ये स्क्रीन टच स्क्रीन है, ये वाला नहीं, तो बटनों वाला मोबाइल जिस किसी के पास है तो वो मुझे आप दें, तो मैंने एजेंट से रब्ता करना है। तो खैर, हमने तो अपनी हर एक चीज़ छुपाई हुई थी। तो एक लड़का बेचारा, उसने उसको दिया, तो उसने कहा ठीक है मैं कॉल करके वापस आता हूँ। लेकिन वो लड़का वापस नहीं आया। बाद में हमारे एजेंट का बंदा आया, तो उसने कहा, यार आपने किसी को कोई चीज़ तो नहीं दी है, सबके पैसे हर एक चीज़ पास है। हमने कहा, हमारी हर एक चीज़ हमारे पास है। खैर, उस लड़के ने कहा, जी एक लड़का यहाँ पर आया तो उसने मुझसे मोबाइल लिया। उसने कहा उसने तुम्हारे साथ 2 नंबरी की है, क्योंकि हमारा कोई भी बंदा किसी से कोई चीज़ नहीं लेता है। खैर, उसका वो मोबाइल जो है वो यानी उसके हाथ से चला गया, वो चोरी हो गया, वो किसी और एजेंट का बंदा था, उससे मोबाइल लेकर चला गया। अच्छा, वो जो ट्रक ड्राइवर था उसने हमें नसीहत की, उसने कहा आप जो है इधर ये जो 30-35 लड़के हैं, आपने ये करना है कि अभी हम जो है कोयटा से जो है ये नौशखी की तरफ जाएंगे, तो रास्ते में आर्मी चेक पोस्ट है, तो आर्मी वाले जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह वो चेक करेंगे, और उसके अलावा जो ट्रक है वो ट्रक को गेट वगैरह खोल कर नहीं देखेंगे कि अंदर कौन है कौन नहीं। लेकिन आपने ध्यान करना है कि जिस जगह पर ट्रक रुके और आपको आवाज़ आए कि बाहर बंदे बातें कर रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने ट्रक के जो साइडों वाले किनारे वाली जगह है वहाँ पर आप सारूने हो जाना है, क्योंकि जो आर्मी वाले या जो भी वहाँ पर चेक पोस्ट वाले चेक करेंगे तो वो बाहर से एक ईंट या पत्थर जो है उसको ट्रक के अंदर फेंकेंगे, वो देखेंगे कि वो ट्रक के जो नीचे फर्श बना हुआ लोहे का वहाँ पर टकरा रहा या नहीं टकरा रहा। तो एक तो आपकी हिफाजत होगी, आपको वो यानी ईंट या पत्थर आपको ना लगे, और दूसरा ये कि जब वो फर्श पर लगेगा तो उनको तसल्ली हो जाएगी कि ट्रक जो है ये खाली है। खैर, वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो गया, ट्रक वहाँ से स्टार्ट उन्होंने किया, तो हमें वो जो है वो नौशखी की तरफ लेकर रवाना हो गए। तो रास्ते में सेम बिल्कुल ऐसा ही हुआ, एक जगह पर जो है ट्रक रुका, वहाँ पर कुछ बंदूक की हमें आवाज़ें आई, उसी तरह उन्होंने एक ईंट अंदर फेंकी, लेकिन हम सारे किनारों पर थे, किसी को भी ना लगी। खैर, ये हमारा पहला दिन था जो है असल ओरिजिनल डेंकी का। तो आपस में गपशप लगाते हम मज़े से जो है जा रहे थे। तो शाम के वक्त तकरीबन इशा की अजानों से थोड़ा पहले जो है हमें वो एक जगह पर ले गए, तो वो जो है वो कोई बकरियों का बाड़ा था, वहाँ पर हमें लेकर गए। तो उस ट्रक वाले ने कहा कि मेरा काम जो है ये यहाँ तक था, अब इससे आगे आप अपने अपने एजेंट से रابطہ करें, आपको लेने के लिए कोई और बंदा आएगा। खैर, हम वहाँ पर उतरे, वहाँ पर हमने जो खाना शाना खाना था वो खाया, वाशरूम तो वहाँ पर है ही नहीं था, तो पानी शानी जो था वो हमने पिया। तो खैर, थोड़ी देर के बाद जो है वहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो डाले वाले आ गए, तो उन्होंने जो अपने अपने एजेंट के बंदे जो है वो अलग किए। तो हम जो है, हमारा ग्रुप 9 लड़कों का था, हम जो है 5 कश्मीर से थे और जो 4 लड़के थे वो पंजाब से थे। उसने, हमारा जो ड्राइवर था उसने हमें अलग किया। अब जो वहाँ पर डाले आए थे, हर एक डाले में तकरीबन 30-30 बंदे जो है वो उसके अंदर जो है वो लेकर जा रहे थे। तो डाले में बैठने की जगह नहीं, 4 या 5 बंदों के बैठने की जगह थी, जिसमें हम 30 या 35 बंदे जो है वो बैठ रहे थे। और गर्मी का आलम था, गर्मी क्योंकि जुलाई में आपको पता है कि कितनी गर्मी होती है, गर्मी, और फिर सबको वहाँ पर बिठा कर ऊपर से तरपाल लगा कर वो लेकर जा रहे थे। तो खैर, जो ड्राइवर हमें लेने के लिए आया उसने कहा, यार देखो मेरे पास जो है पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, तो आप लोग ऐसा करें कि मुझे जो है 2-2 हज़ार रुपया, उसने हम सभी से कहा कि आप जो 9 लड़के और बाकी जो दूसरे एजेंट के थे उनसे भी मांगे, क्योंकि इसके पास भी 30-35 लड़के थे। इसने कहा मुझे ये पैसे दें, आपकी जो पेमेंट है उसमें ये मैं पैसे जो है ये कटवा लूँगा। खैर, हम चूँकि नए नए निकले थे, हमें उस पर एतमाद नहीं था, कोई बंदा भी जो है वो पैसे देने को तैयार नहीं था, हम उसको मुकर गए। उसने कहा अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं आपको लेकर कैसे जाऊंगा, मेरी यानी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो आपको फिर इधर ही रात गुजारनी पड़ेगी, और इधर आप अपनी हालत के खुद ज़िम्मेदार हैं, यानी आपको कोई लूट ले जो भी सिलसिला है वो आप खुद ज़िम्मेदार हैं, आपस में जो है गपशप लगा लें। खैर, हम सारे लड़के जो 30-35 थे हम साइड पर आए, तो फिर हमने मशवरा किया, और सुफियान जो है इसने फिर सारे लड़कों को समझाया। उसने कहा यार ये अगर हमें यहाँ पर छोड़ कर चला गया
रात को हमें कोई लूट ले, हमारे सारे पैसे ले ले, खाने पीने का सामान हर चीज़ हमसे ले ले, तो फिर हम किससे बात करेंगे। तो बेहतर है इसको 2,000 रुपया देते हैं तो ये हमें आगे लेकर चलेगा, क्योंकि बाकी सारी गाड़ियां, सारे लड़के जो है वो निकल गए थे। तकरीबन 500-600 लड़का था उस एरिया में, जहां पर वो मैं आपको बता रहा हूँ बकरियों का बाड़ा नुमा जो थी वहां पर तकरीबन 500-600 लड़का था, बाकी सारे के सारे निकल गए। तो हमारा ग्रुप जो 30-35 लड़कों का था वो रह गया था। खैर हमने उसको 2,000 रुपया दिया, उसने हमें जो है गाड़ी में बिठाया, उस डाले में बिठाया जो फ्रंट वाली एक बंदे की जगह थी, वहाँ पर 5 बंदे उसने साथ अपने बिठाए और बाकी जितने भी लड़के थे उनको यानी पीछे डाले में डाला और ऊपर उसने तरपाल फिर रख दिया। तो मैं आगे बैठा हुआ था उसके साथ, लेकिन मैं अंदर बैठा हुआ था, मैं ज़्यादा तंग था। उसकी वजह ये थी कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो एक बंदे की जगह पर 5 बंदे बैठे, तो फिर आप खुद हिसाब लगा लें कि कितनी यानी वहाँ पर गर्मी हुई होगी। तो जो पीछे बैठे हुए थे डाले के, वो क्योंकि उनको फिर भी हवा वगैरह लगती थी, है उसने ऊपर से कवर किया था, तरपाल के साथ बांध दिया। तो फिर हमारा सफ़र जो है वो फिर आगे मज़ीद यानी जो नोशकी वाली साइड पर है उस तरफ रवाना हो गया।